आए जरा और देखें कि पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या कुछ होता है। रिपोर्टिंग एंट्री कंसिस्टेंटली हायर देन दी ऑपरेटिंग कैश, यानी अर्निंग्स जो है वो आप ज़्यादा दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग फील करते हैं ना कि आपकी कंपनी ग्रो कैसे करेगी, आपकी सेल्स बढ़े। लेकिन ऑन दी अदर साइड आपका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंगली। रिपोर्टिंग अर्निंग कंसिस्टेंटली हायर देन द टैक्सेबल इनकम। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिट की क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो दैट इज अ सीरियस फॉर अ बिजनेस। ऑडिट रिकग्निशन ऑफ ए नॉन रूटीन ऑडिट चेंज, नॉन रूटीन से मुराद ये कि आप दरमियान में ऑडिटर को चेंज करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर एक ऑडिट करके टाइम पूरा हो गया, इलेक्शन साल पूरा हो गया, तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, ऑडिटर को सुनना पड़ेगा, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, जी आप मुझे चेंज क्यों कर रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अनएक्सप्लेन फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी हमें जरूर देखना है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट रिकमेंडेड एज सच। जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेम करते वक्त सोचे ना कि हमारी बिजनेस के लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर रहेगी, और अकॉर्डिंगली वही पॉलिसी आप ईयर बाय ईयर फॉलो करें। लेकिन अगर आपने चेंज करनी है तो जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। सडन इंक्रीज इन्वेंटरीज इन द कंपैरिजन विद सेल्स, मैं बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है इसमें अगर दूँ। देखिए टेक्सटाइल में कॉटन जो है वो एक सीज़न होता है अक्टूबर से फरवरी तक, तो नॉर्मली 30 सितंबर को टेक्सटाइल के अकाउंटिंग ईयर एंड्स होते हैं, तो 30 सितंबर को हमारे पास स्टॉक मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आपने अक्टूबर से बाई करनी शुरू करनी है और पूरे साल के लिए बाई करनी होती है, क्योंकि 4 महीने चलता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप अपनी बैलेंस शीट में बजाय इसके कि 30 डेज का स्टॉक दिखाएं, 90 डेज का स्टॉक दिखा रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज कि आपने इतना एक्सेस स्टॉक बाई करके क्यों रखा हुआ है, जबकि आपको पता है कि अक्टूबर में स्टॉक आ जाए। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि स्टॉक जो होता है ना कॉटन का, वो प्लेज किया होता है बैंक के पास, और बैंक ने आपको उसके अगेंस्ट लोन दिया होता है। तो अगर आप स्टॉक का लोन की फिगर यहाँ है तो स्टॉक की फिगर भी उसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि लोन यहाँ है आपने पेमेंट नहीं की है तो आप स्टॉक कम नहीं कर सकते। और इस पर स्टॉक, ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बाकायदा रिपोर्टिंग करता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है और बुलाता है इंचार्ज को कि बताएं जी ये ऐसे क्यों है, आप बहाने करें जो भी करें, लेकिन बहरहाल स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है ज़रूरी है कि इन्वेंट्री जो है उसकी स्टॉकिंग, उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट और देखनी पड़ेगी। यूज़ ऑफ मैकेनिज्म ऑफ टू सर्कुलेट रूल सच एज ऑपरेटिंग लीज एंड रिसीवेबल स्क्रूटनाइजिंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि देखिए लीज के बारे में स्टैंडर्ड है, अभी हमने पढ़ा है कि जी आप लीज लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटी कितनी है और करंट कितनी है, और उसके अगेंस्ट राइट ऑफ यूज़ एसेट्स जो है वो भी आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि लीज़ पर एक एसेट ले लेते हैं, रेंटल पे करते हैं, उसको इनकम में चार्ज करके एक्सपेंस कर देते हैं, एसेट भी बुक नहीं करते और लाइबिलिटी बुक नहीं करते, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? यू कैन इमेजिन कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में ज़्यादा आ जाएगा, आपका रिटर्न प्रॉफिट के ज़्यादा निकलेगी, उधर से आपके एसेट्स में नहीं है, आपकी सारी रेशियो चेंज हो जाएगी। और इसी तरह रिसीवेबल को आप सेल कर देते हैं, किसी किसी भी कंपनी को सेल कर देते हैं कि भाई आप नॉर्मली, ये वर्ड मैंने यूज़ किया था जिसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी, आप एक एंटिटी क्रिएट करके कहते हैं जी ये लें हमारे रिसीवेबल्स, आप हमें इनके अगेंस्ट पैसे दे दें और आप वो आप कलेक्ट करते जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कंपनी के लिए, और ऑडिटर्स को ये वॉच करना पड़ता है। अब देखें ना, ये आप एडवांस में फ़र्ज़ करें किसी ने आपको पैसे दे दिए और स्टॉक अभी आपने बेचा नहीं है, तो आप उसको सेल्स बुक नहीं कर सकते, आप लाइबिलिटी बुक करेंगे, कैश तो डेबिट करेंगे लेकिन साथ रिसीवेबल सेल्स बुक नहीं करेंगे। सेल्स सब बुक होगी जब आप स्टॉक्स को डिलीवर कर देंगे, उनको कंट्रोल दे देंगे। फ्रीक्वेंट वन टाइम चार्ज, इसको मैं बिग बात की, ये बहुत मशहूर है कि आप एक पर्टिकुलर ईयर में आकर
अपनी सारी बैड थिंग्स को चार्ज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि आपकी बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर हो। और ये अलाउ है इन सेंट्रलाइज़ेशन में कि अगर आप रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं चीज़ों को तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगेन यू शुड हैव ए जस्टिफिकेशन। बिग बात इज़ ए स्ट्रेटजी इन्वॉल्व टेकिंग एज मैनी राइट ऑफ एज पॉसिबल इन वन पीरियड एंड द पीरियड चूजन इज ओनली वन विच मार्केडली पुअर परफॉर्मेंस। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका नहीं चल रहा सिस्टम सही तो आप कहते चले इस साल हम ऐसा करते हैं, सारा कुछ एक में डाल देते हैं, लेट द लॉस कम, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ईयर से हम बेहतर कर लेंगे। एक ये वर्ड है इनकम स्मूथिंग। ये एक टेक्निक है कि हम अपनी इनकम को एक सर्टन लेवल तक ही रखना चाहते हैं ताकि अकॉर्डिंगली आप डिविडेंड बोनसेस जो भी है उस हिसाब से दें। अगर किसी साल आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो उसको थोड़ा दिखाएं ताकि लोग ज़्यादा डिमांड करना ना शुरू कर दें, और किसी दिन कम हो गई है फर्ज़ किसी अरसे में तो आप वो जो कम की हुई है उसको आप पढ़ लें। तो ये इनकम स्मूथिंग जो है ये भी अलाउ नहीं है लेकिन लोग करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ अर्निंग मैनेजमेंट। ये वर्ड यूज़ होता है अर्निंग मैनेजमेंट। अंडर दिस स्ट्रेटजी मैनेजमेंट डिक्रीज और इंक्रीज रिपोर्टिंग इनकम सो एज टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी नॉट रिपोर्टिंग ए पोर्शन ऑफ इनकम इन गुड ईयर्स थ्रू क्रिएटिंग रिजर्व अर्निंग बैंक्स एंड देन रिपोर्टिंग दीज अर्निंग इन बैड ईयर्स। यानी अच्छे सालों में उसको आप रिजर्व में डाल दें और बुरे सालों में रिजर्व से निकाल कर इनकम में दिखा दें, क्योंकि इसके से फिर अर्निंग पर शेयर निकलती है, उससे फिर डिविडेंड की बात बनती है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्मूथिंग में अर्निंग मैनेजमेंट में आते हैं। इनकम शिफ्टिंग, एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू बाय प्रोसीडिंग डीलर्स टू बाई एक्सेस प्रोडक्शन नियर द ईयर एंड। ये भी है कि आप अपने कस्टमर ही से डील कर लेते हैं कि जी आप साल के एंड पे हमसे कुछ ज़्यादा माल खरीद लें ताकि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स बुक कर लें। तो ये है, नॉर्मली होता है, अक्सर है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं है। आप, मैंने जैसे कहा ना कि आप एडवांस पैसे भी दे देते हैं कि ले ये पैसे ले लें, हमें एक महीने के बाद चीज़ें सप्लाई कर दें, तो जो पैसे आ गए तो आपने कैश को डेबिट किया, तो क्रेडिट किसको करें, आप सेल्स को क्रेडिट कर लेते हैं, हालांकि सेल्स क्रेडिट नहीं होगी इस केस में, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। जब चीज़ें जाएंगी तो फिर सेल्स क्रेडिट होगी। डिले एक्सपेंस बाय कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस एंड अमोर्टाइज ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। आप एक्सपेंस को डिले कर दें, कैपिटलाइज कर लें, यानी एसेट्स बुक कर लें रादर देन एक्सपेंस बुक करने के, और फिर ओवर ए ईयर्स उसको आप राइट ऑफ करते चले जाएं। तो ये भी एक तरीका है कि कैसे आप परफॉर्मेंस को अप डाउन कर सकते हैं। शिफ्टिंग एक्सपेंसेस टू लेटर पीरियड, आप एक इनवॉइस ही रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब परचेज कर ली हैं चीज़ें आ भी गई हैं, स्टॉक में पड़ा है तो स्टॉक में तो आ गया, लेकिन इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो परचेज में रिकॉर्ड नहीं होगी तो लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई, तो इससे क्या होगा, करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे लेकिन लाइबिलिटी कम, तो आपकी करंट रेशियो जीरो चेंज हो जाएगी। तो दे आर सो मेनी थिंग्स वी डू इन बिजनेस। टेकिंग वन टाइम चार्ज सच एज एसेट्स इंपेयरमेंट। एसेट्स इंपेयरमेंट का मतलब सिंपली यही है कि विद टाइम द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर डिक्रीजिंग ऑल्सो। तो देखना ये है कि जहाँ डिक्रीज हो रहा था वहाँ एप्रिसिएशन भी तो हो जाती है ना, तो ड्यू टू चेंज ऑफ समथिंग इन्फ्लेशन वगैरह से, तो हमें जो जो इम्पेयरमेंट है वो हम दिखा देते हैं कि सारी की सारी ये ज़ीरो हो गई वैल्यू, या जो उसमें जो कमी आ रही है उसको बुक कर लेते हैं एज ए इम्पेयरमेंट लॉस। थैंक यू वेरी मच।